क्योंकि कई बार जो शायद आप लोगों के एक्टिंग प्रोसेस में मुझे नहीं मालूम डिटेल कैसा होता होगा, जब भी जो कैरेक्टर आपके सामने आता है आपके चैलेंज के तौर पर सामने आता होगा या उससे जो दोस्ती का एक प्रोसेस आपका होता है, कहीं ना कहीं तो वो एक अपरिचित है आपके लिए और बिल्कुल जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीने तक आपकी प्रेमिका से भी ज़्यादा, आपकी बीवी से ज़्यादा, आपके माँ बाप दोस्त किसी से भी ज़्यादा करीब होने जा रहा है, तो उससे कैसे इंटरेक्ट करते हो? मतलब क्या क्या रहता है कि इसको मैं मजा चखा देता हूँ, अभी मैं दिखा देता हूँ सारे को, आगे बताता हूँ। क्या कैरेक्टर की बात? हाँ, कैरेक्टर की बात, मैं बीवी बच्चों की बात नहीं कर रहा। नहीं, एक कंपेनियनशिप की तलाश तो आपको भी रहती है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल एक्टर भी अपने आप में लोनर है, तभी वो सभी एक्टर है। सभी लोनर है सर। हाँ, मुझे ये लगता है कि हम सब चाहे किसी भी स्टेट में हो, जिस जिन पैरामीटर से अपनी जिंदगी को डिफाइन करते हैं, एक चखें, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, बेसन का वो आप शुरू करें, बेसन का पापड़ा हम अपने यहाँ कहते हैं इसको। अच्छा। मुझे लगता है हम सब चाहे कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी जॉब के मामले में सही हो, घर सब कुछ सही हो, लेकिन हम लोग हमेशा साइकोलॉजिकली इनसिक्योर होते हैं बहुत ज़्यादा अंदर से, और हमेशा हम वो साइकोलॉजिकली सिक्योर होना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ अपने जॉब को लेके, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ये कशमकश हमेशा हर दिन का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन हमें पता ही कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली फुल स्टॉप लगना है 30 साल में 40 साल में 45, कुछ भी आप कहीं भी पहुंचो आपको खत्म होना है। तो ये जो पैराडॉक्स है, इस वजह से हम लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे, भाग रहे हैं उसके पीछे, भाग रहे हैं, वहां मिल जा रहा है तो पता चल रहा है मेरा आज इस पर भी खुश नहीं हो रहे, उस पर भी खुश नहीं हो रहे, मुझे रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर खरीद ली फिर भी खुश नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा चाहिए क्या। तो थोड़ा थोड़ा मायोपिक वे में छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं ताकि कुछ दिन तो भाग सके उसके पीछे, जब वहां पहुंच जाते हैं तो पता चलता नहीं यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हमारे हम सबके साथ है कि हम सब साइकोलॉजिकली इनसिक्योर है, सिक्योर होना चाहते हैं और वो कभी हो नहीं सकते बेसिकली। तो क्या होता है कि ये जब भी मेरे को इतना मजा इसलिए आता है एक्टिंग करने में कि मैं कुछ महीनों तक भूल जाता हूँ सब कुछ और मैं लगा हुआ रहता हूँ इस इंसान को डिकोड करने में और वैसे ही फील करने में जैसे ये इंसान फील कर रहा है। तो 3-4 महीने तक मेरा मेरी जिंदगी आराम से कटती है। फिर जब वो खत्म होता है तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा अब क्या करना है। तो क्या इस दरमियान एक पैरेलल लाइफ जी रहे होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी रहा होता हूँ, मतलब रात में मुझे बस एक चीज होती है कि भैया जब मैं होटल वापस जाऊँ तो फोन करो एक बार फैमिली को, लैंडलाइन से, क्योंकि मेरे पास फोन होता नहीं, कि सब कुछ ठीक है, और अंकिता को फोन करता हूँ कि सब कुछ ठीक है। उन सबके पास मेरे जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनका नंबर होता है, तो जरूरत पड़ी तो बोल देंगे, लेकिन मेरा ये काम कि रात को एक बार बोल दे कि हाँ सब कुछ सही है, अच्छा चल रहा है, पूरे दिन में किसी से बात नहीं कर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के मैं बहुत सीरियस एक्टर हूँ और सीरियस एक्टर ऐसा करते हैं, इसलिए मैं समझता रहता हूँ कि यार ये कैसा फील कर रहा होगा अभी, मैं कैसा फील, कभी उन लोग बैठ के पूछते नहीं कि हम एक्चुअली कैसे इंसान है, मतलब कब कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है समझने में कि हम लोग कितने हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग फुल बना के रखा है हमने कि ये चाहिए, मॉरल वैल्यूज ये हैं, ये वैल्यूज ये हैं और हम ऐसे, और सबको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं कि हम क्यों ऐसे, तो सब समझ में आता है जब आप किसी कैरेक्टर के अंदर बैठे हुए रहते हैं ये आप कैसे, तो अच्छा बहुत अच्छा है। और एक और ये था कि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था पहले, मतलब इंटेंशनली नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाता था, घर वालों ने बचपन से ही पढ़ाई में लगा दिया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही जिंदगी थी, तो मैंने कभी वो ये आर्ट सीखा ही नहीं कि यार लोगों से कैसे बात करते हैं और सस्टेन कैसे करते हैं इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। फिर जब स्टेज पे गया डांस करने और थिएटर वेटर करने लगा तो मैंने कहा ये तो बड़े, क्योंकि उस समय तक वैसे दबाव मतलब 2-3 स्ट्रेंजर आप भेज दो रूम में तो मैं तो चू ना बोलू मैं ऐसा था। तो एकदम से मैं थिएटर पे गया, लाइनों का साथ था, जो लाइन्स याद करके आए थे, कैरेक्टर पता था, पता था कि ये लोग पैसे दे के आए देखने के लिए, तो कॉन्फिडेंस था,
फिर जब करता था थिएटर और देखता था लोग कभी ताली बजाते थे कभी कुछ सैड सीन चल रहा तो सब कर रहे हैं यार ये तो बड़ा मैजिकल है दूसरों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इसको सीखते डांस भी करता था वैसे ही देखो मैं कर रहा हूँ अगले दो मिनट सिर्फ मुझे देखो मैं ये फील कर रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ तो फिर लगा ये सीखते हैं तो कॉलेज छोड़ दिया तीसरे साल आ गया बॉम्बे और यहाँ पे भी आके ऑडिशन ही दिया इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग क्लियर करी फिर चार साल पढ़ने पड़ते हैं इंजीनियर बनने में तो फिर एक्टर बनने के लिए भी लगते होंगे तेरे साल तो थिएटर ही कर रहा था फिर किसी ने टीवी पे चांस दे दिया टीवी में जब एकदम सीखना बंद हो गया हर दिन पता था कि क्या करना है हर दिन पैसे अच्छे थे लोग भी बेचाते थे लेकिन पता था कि क्या करना है कुछ सीख ही नहीं रहे थे बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहे थे एक टाइम के बाद ज़्यादातर टीवी एक्टर के साथ ये दिक्कत हो रही है बिल्कुल हो ही जाती है मतलब हाँ क्योंकि कुछ एक शो अगर चल गया मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टोरी को बताने के लिए 6 महीने से ज़्यादा आपको टाइम लगता है 6 महीने बाद वो कुछ भी करते हैं तो आप कितना अपने आप को कन्विंस करो या तो आपका प्रायोरिटी है जिसमें कुछ गलती नहीं है मैं वापस बोल रहा हूँ अगर आपको पैसे कमाना है और लोग आपको पहचाने ये आपकी प्रायोरिटी है सही प्रायोरिटी कोई बात नहीं तो आप करो फिल्में भी हो सकती है फिर भी फिल्में कर सकते लेकिन आपको प्रायोरिटी कुछ और है मजे आते हैं आपको कैरेक्टर बिल्ड करने में और फिर अपने आपको देखने में कि आपने क्या किया कितना कन्विंसिंग तरीके से किया तो फिर वो गलत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है तो फिर मैंने छोड़ दिया लोग बोल रहे थे यार क्या कमा रहे हो नंबर वन शो है तुम्हारा फिल्में करनी है कुछ और करना है एक साल और कर लो फ्लैट खरीद लो अच्छा सा उसके बाद करो यानी यार हो गया तो फिर फॉर्चुनेटली फिल्में भी मिलने लगी अब लोग बोलते हैं कि यार तुम तो हो ही नहीं हमारे जैसे पार्टिसिपेट नहीं करते तुम तो फिल्मों में डांस ही नहीं करते जब फिल्मों में आया था तो लोगों ने बोला था इसको फिल्म इसलिए मिली है टीवी का आया हुआ है पहले तो बहुत पहले ये सब हुआ है कि टीवी से कोई अच्छे से फिल्में आए तो इसको इसलिए फिल्म मिली कि डांस अच्छा करता है पता चला शुरू की 4 फिल्मों में डांस ही नहीं किया 2 फिल्म रिलीज हुई है 2 फिल्मों ने कभी डांस नहीं किया बोला यार ये ना ये बॉलीवुड का एक हीरो नहीं है मतलब ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हीरो तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते बात है कि आपको किस पे मजा आता है नहीं मजा आ रहा है आपको अरे मुझे मजे का वो लेवल बढ़ा है कि बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा पिक्चरें देख के सीख रहा हूँ किताबों पढ़ के सीख रहा हूँ खुद बैठ के मुझे लगता है कितना ज्यादा लोग बहुत कुछ करते हैं एक्टिंग सीखने के लिए कुछ देर रोज शांत बैठ के सोचे कि वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं काफी है। नहीं एक सवाल मैं आजकल लोगों से सबसे पूछ रहा हूँ कि आपसे वही सवाल है कि एक्टिंग की प्रैक्टिस और एक्टिंग के एक्सरसाइजेस क्या करते हैं आप क्योंकि अमूमन हम लोगों को बताया आजकल सबको ही बताते हैं मैं जिम जाता हूँ मैं घुड़सवारी सीख रहा हूँ मैं डांस सीख रहा हूँ ये सब जरूरी है एक्टिंग बिल्कुल लेकिन एक एक्टर बहुत प्योरिटन ना रखें अप्रोच फिर भी एक प्योर एक्टर होने के लिए ये सब तो साइड की चीज़ें हैं मतलब उसके लिए क्या करते हैं सुशांत